हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एयर कंडीशनर जो आज घर घर में ज़रूरत है और हर कोई अपने घर में एयर कंडीशनर जरूर लगाता है, तो इसकी प्लेसिंग भी क्या वास्तु के अकॉर्डिंग हो सकती है और उसके जो बेनिफिट है वो हम ले सकते हैं, आइए देखते हैं। एयर कंडीशनर जो कि आजकल हर घर में प्लेस किया जाता है, तो उसकी प्लेसमेंट अब हम नॉर्थ ईस्ट से शुरू करते हैं। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप इस तरीके की कूलिंग की जो व्यवस्था करते हैं, एयर कंडीशनर हुआ या फिर कूलर हुआ, ये अगर लगाते हैं तो ये इसका प्लेसमेंट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ठीक नहीं है, क्योंकि इसकी जो एक्टिविटी है माइंड को परेशान करेगी, उसमें प्रॉब्लम आएगी। यानी आपका जो माइंड है वो हर वक्त उसी मशीनरी की तरह से घूमना स्टार्ट कर देगा, तो नॉर्थ ईस्ट में इसका प्लेसमेंट इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। और उसके अलावा आपका जो माइंड है वो अस्थिर हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप एयर कंडीशनर लगाते हैं तो अनस्टेबल हो जाएगा आपका माइंड, तो यहाँ नहीं लगाना चाहिए। नॉर्थ डायरेक्शन क्योंकि वाटर एलिमेंट की डायरेक्शन है, और यहाँ अगर आप एयर कंडीशनर का प्रयोग करते हैं या लगाते हैं तो ये अच्छे रिजल्ट्स देने वाला सिद्ध हो सकता है आपके लिए। तो नॉर्थ डायरेक्शन में आप एयर कंडीशनर जरूर लगाइए, यानी का जो धन का प्रवाह है वो लगातार वाटर की तरह से आना स्टार्ट हो जाएगा, तो नॉर्थ में आपको एयर कंडीशनर जो है लगाना अलाउड है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भी आप एयर कंडीशनर लगा सकते हैं। यहाँ क्योंकि ये हेल्थ एंड इम्यूनिटी का डायरेक्शन है, तो यहाँ अगर इसका प्लेसमेंट होता है तो ये गुड रिजल्ट देता है, यानी आपका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा वायरस से लड़ने की जो आपकी कैपेबिलिटी है वो इसके प्लेसमेंट के बाद में बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, तो यहाँ आप प्लेसमेंट कर सकते हैं। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यहाँ भी आप एयर कंडीशनर का प्रयोग कर सकते हैं, तो लगा सकते हैं। इतने बहुत ज्यादा सुटेबल तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप लगा सकते हैं। ईस्ट डायरेक्शन क्योंकि कनेक्शंस की डायरेक्शन है, समाज से जुड़ने की डायरेक्शन है, तो यहाँ आप एयर कंडीशनर जरूर लगा सकते हैं। इस एयर कंडीशनर के माध्यम से आप लोगों से कनेक्शन होना आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ इसकी प्लेसमेंट गुड रिजल्ट देने वाली हो सकती है, तो यहाँ आप एयर कंडीशनर का जो प्लेसमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आगे है ईएससी डायरेक्शन क्योंकि एंजाइटी की और चर्निंग की डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में अगर आप एयर कंडीशनर का प्लेसमेंट करते हैं, ये जो है अच्छी अगर कंडीशन है या कोई दूसरी भी अगर कंडीशन है आपके साथ में, तो उससे जो लड़ने की जो क्षमता है वो ये एयर कंडीशनर देना स्टार्ट कर देगा। और अगर आप के लाइफ में अनस्टेबिलिटी है और ईएससी डायरेक्शन में आपने प्लेसमेंट किया है एयर कंडीशनर का, तो ये आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने की भी जो है ना रिजल्ट वो भी देना स्टार्ट कर देगा, तो यहाँ आप प्लेसमेंट कर सकते हैं एयर कंडीशनर का। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप एयर कंडीशनर लगा सकते हैं, ये लगातार धन के प्रवाह यानी कैश फ्लो में मदद कर सकता है, तो यहाँ आप एयर कंडीशनर का प्लेसमेंट कर सकते हैं। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में भी आप एयर कंडीशनर का प्लेसमेंट कर सकते हैं। ये डिफिकल्ट जो समय आपका अगर आता है तो उसमें भी आपको स्थिर बनाए रखता है, यानी डिफिकल्ट जो समय है उसमें आपको लड़ने की क्षमता ये एयर कंडीशनर देगा, तो यहाँ आप एयर कंडीशनर का प्लेसमेंट कर सकते हैं। साउथ ईस्ट में एक रिजल्ट और देता है, आपको शांत रखेगा ये एयर कंडीशनर, तो इसका प्लेसमेंट आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कर सकते हैं। इससे आगे की डायरेक्शन है साउथ डायरेक्शन में एयर कंडीशनर का जो प्रयोग है वो आप कर सकते हैं, ये आपको एनर्जेटिक रखेगा एयर कंडीशनर। इसके आगे है साउथ वेस्ट डायरेक्शन, यहाँ जो प्लेसमेंट है इसकी एयर कंडीशनर की थोड़ा ठीक नहीं है, तो यहाँ इस डायरेक्शन को थोड़ा सा आप अवॉइड करिए। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप एयर कंडीशनर लगा सकते हैं,
यहाँ भी एयर कंडीशनर है उसका प्लेसमेंट उचित है, तो यहाँ आप वहाँ प्लेसमेंट इसका एयर कंडीशनर का कर सकते हैं। वेस्ट साउथ वेस्ट, क्योंकि ये सेविंग की और एजुकेशन की डायरेक्शन है, तो यहाँ एयर कंडीशनर का जो प्लेसमेंट है नहीं करना चाहिए, वो इसमें बाधा पहुंचाएगा। वेस्ट डायरेक्शन में आप एयर कंडीशनर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कोई बैड रिजल्ट इससे नहीं मिलेगा। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, यहाँ भी आप एयर कंडीशनर का जो प्लेसमेंट है वो कर सकते हैं। इससे आगे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, यहाँ भी आप इसका प्लेसमेंट एयर कंडीशनर का कर सकते हैं। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, यहाँ पर भी आप एयर कंडीशनर का प्लेसमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने सारी दिशाओं में एयर कंडीशनर किस प्रकार से उनका प्लेसमेंट करना चाहिए, उनके रिजल्ट किस प्रकार से आपके लाइफ में आएंगे वो हमने देखा। तो वास्तु के अकॉर्डिंग आप एयर कंडीशनर जो है उसका प्लेसमेंट आप कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड, इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।